हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है सूजी बेसन चीला। सो स्टार्ट करते हैं बनाना। लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैंने लिया है सूजी, बेसन, ग्रीन चिली एंड सम वेजीज जो ऐड करनी है। इसमें आप ले सकते हैं कैप्सिकम, ऑनियन, टोमेटो, कोरिएंडर लीव्स और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी वेजीज ऐड कर सकते हैं। ये मैंने चॉप्ड किया हुआ लिया है यहाँ पे। और इसमें एक चटनी और ऐड करनी है, कोकोनट पीनट चटनी। इसमें आपको लेनी है भुनी हुई मूंगफली, कोकोनट, ग्रीन चिली एंड करी पत्ता लिया है और सम गार्लिक क्लोव्स लिए है और जिंजर भी लिया है। पीनट्स, करी पत्ता, फ्रेश कोकोनट एंड ग्रीन चिली, ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं। एक जार में मैंने कोकोनट लिया है, देन जिंजर ऐड किया है, देन चिली ऐड किया है, देन करी पत्ता ऐड किया है थोड़ा सा। देन गार्लिक ऐड किया है, देन मूंगफली ऐड किया है और दही ऐड किया है 4 to 6 teaspoon। देन इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड किया है एंड सॉल्ट ऐड किया है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। ये ग्राइंड करा हुआ चटनी है। अब ये है तड़का। इसमें आप कोई भी ऑलिव ऑयल ले सकते हैं जो आप खाते हो। इसमें मस्टर्ड सीड्स ऐड करने हैं, ये गरम हो रहा है। देन थोड़ा सा करी पत्ता ऐड करना है। इसमें आप खड़ी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास 3 मिनट के बाद ऐड होंगे। तो ये हो गया तड़का, चटनी का, चटनी डन है। ये तैयार चटनी है। अब ये चीला के लिए मैंने मटर लिया है, जिसको आपको बनाने से 2 घंटे पहले भिगोना है जिससे ये फूल जाए और इसकी जो थिकनेस है, कंसिस्टेंसी है, वो ठीक रहनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। ये जैसा मैं बना रही हूँ वैसा ही होना चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स करना है पहले। देन आपको इसमें सारी सब्जियाँ ऐड करनी है। आप और भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जैसे बीन्स, गाजर। ये ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये जो चॉपिंग होनी चाहिए सब्जियों की, वो बहुत छोटी छोटी होनी चाहिए जिससे ये बनाते टाइम इधर उधर निकले नहीं, ईजिली बन जाए। ये मटर रेडी हो गया है। अब आपको एक पैन तवा लेना है, उसमें कोई भी ऑलिव ऑयल डालना है। और जब आप इसको रख तवे को लेते हैं तो इसको हाई फ्लेम पे इसको पहले गरम करना है। फिर इस मटर को डालना है इसमें 2 से 3 चम्मच। फिर इसको पूरे तवे पे प्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ स्पून।
बिल्कुल प्लेन ही है, मैंने गोल दिया है, आप कोई भी दे सकते हैं। साइड में थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना है साइड में और ऊपर से। फिर इसको हाई फ्लेम करनी है, फ्लेम को हाई करना है, देन फ्लेम को मीडियम करना है। और इसको बहुत मीडियम फ्लेम पे करके धीरे धीरे सेक रहे हैं। अच्छी की हेल्प से धीरे धीरे सेकना है, टाइम लगता है बट टेस्टी होता है। मिनिमम 2 से 3 मिनट लगता है इस चीज़ में, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे खाएंगे, क्रिस्पी लेंगे या क्रिस्पी नहीं लेंगे। ये ऑलमोस्ट बन गया है, आप इसको क्योंकि ये बड़ा होता है आप इसको 2 पार्ट में फ्राई कर सकते हैं, डिश कर सकते हैं। विद कोकोनट एंड पीनट चटनी, तो ये दादी माँ खा रही हैं। टेस्टी है, दादी माँ कड़ी पत्ता को निकाल निकाल के रख रही हैं क्योंकि वो कड़ी पत्ता नहीं खाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और आप ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।